हाय गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब, और आप देख सकें मेरी नई वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो और आपका कोई डाउट पैदा ना हो। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी नहीं मिली है, लगभग 15-16 महीना हो चुका है और उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं फिर भी उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, और कुछ उनकी सैलरी मिल चुकी है, जो 2 महीने की सैलरी मिली है उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपके लिए ऐसे सैलरी नहीं मिल पाएगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लीगल प्रोसेस हो। इलीगल प्रोसेस से भी नहीं मिल पाएगी, जैसे कि आप कर रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो इलीगल में हो सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में अगर कहीं आप धरना देते तो वो इलीगल प्रोसेस हो जाएगा और आप पर उल्टा जुर्माना रखा जा सकता है। तो इसमें आपको एक सिंपली सी मैं बता देता हूँ कि आपके लिए एक ट्विटर अकाउंट बनाना है अपना, और जिसमें मैं आपको ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है वो दे दूंगा। आपको ट्विटर अकाउंट बनाने के बाद आपको इसमें सिंपली करना है CMD BSNL और PMO India और BSNL कॉरपोरेट और RS प्रसाद, मतलब कि रविशंकर प्रसाद, इनको टैग करना है। और आपको ट्वीट में जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, या जो मेरी ट्वीट है उसे रीट्वीट कर सकते हैं। उसे रीट्वीट करेंगे तो आपको और मुनाफा होगा कि आपके लिए एक किसी को काम को करते हैं, जैसे हम धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी रोड को जाम करते हैं, तो उसमें भी एक मेन आदमी होता है। इसी तरह मेरे लिए आप जो मेरी ट्वीट है उसे रीट्वीट करेंगे तो मैं एक उसमें मेन आदमी हो जाऊँगा और आप उसे आराम से रीट्वीट कर सकते हैं और आपकी सैलरी मिलने के चांसेस हैं। तो जाइए और रीट्वीट कीजिए और मुझे उस पर सबसे पहले ट्विटर पर फॉलो कीजिए, तभी आपका जो ट्वीट है वो मान्य हो सकता है। तो मुझे फॉलो करने के बाद आप मेरी ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके घर में यदि 4 मोबाइल हैं तो 4ों से आप ट्विटर अकाउंट बनाइए और 4ों से आप रीट्वीट कीजिए। लगभग 1000 तुम रीट्वीट कर देते तो आपकी सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी तो मैंने बात कर ली है, क्योंकि अभी सैलरी नहीं मिल पाई है, और आप ऐसा ही प्रोसेस अपनाते हैं तो आपकी सैलरी मिलने के चांसेस हैं, और मिल चुकी है अभी आपकी 2 महीने की। 2 महीने की सैलरी से अगर 15 महीने की सैलरी हो किसी को और 2 महीने की दी जाए, मतलब कि आप किसी की भूख है 4 रोटी की और दी जाए उसे 1 रोटी, तो उसका पेट नहीं भर पाएगा। तो आपके लिए 15 महीना हो चुका है और 2 महीने की सैलरी मिली तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए मुझे ट्विटर पर फॉलो करने के बाद मेरी जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो ट्वीट है उसके ज़्यादा रीट्वीट बढ़ेंगे, उसके लाइक ज़्यादा बढ़ेंगे, कमेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो सैलरी मिलने के चांसेज भी बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो 4G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें तो 4G स्पेक्ट्रम लागू होने वाला ही था, मतलब कि चलने वाला ही था, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है क्योंकि चीन और भारत की सेनाएं सीमा पर आपस में एक दूसरे के सामने हैं, मतलब कि उनमें लड़ाई हो चुकी है और कुछ सैनिक भी मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। अब उसका टेंडर मेक इन इंडिया टेक महिंद्रा से उनका जो 4G का सामान है उसे खरीदने के लिए कहा जा रहा है, उसका टेंडर करने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह 4G स्पेक्ट्रम लग चुके हैं वो चालू भी हो गए हैं, जैसे यूपी में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 4G स्पेक्ट्रम चालू हो चुका है, और जिस जगह चालू हो चुका है वो मुझे बताइए किस जगह लग चुका है, और उसकी सर्विसेज भी अच्छी आ रही है, बताइए कैसी सर्विसेज आ रही है। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि किस किस जगह सही सही हो रहा है काम। केरला में किसी भी बात की कमी नहीं है, किसी काम को लेकर कोई मतभेद पैदा नहीं हो रहा है, कोई सैलरी उनको लेट नहीं दी जा रही, उनका सब काम पहले ही किया जा रहा है केरला में, क्योंकि वहाँ से उनको बेनिफिट हो रहा है और बेनिफिट होने के बाद ही उनके लिए सैलरी मिल पा रही है।
और जगह इन्वेस्ट तो हो रहा है लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा, इसलिए उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अब बात करें हम BRS की, तो BRS की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन BRS की जो एक्सग्रेटिया पेमेंट था वो दे दिया गया है। एक्सग्रेटिया या ग्रेचुटी, दोनों में से एक ही बात कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, कुछ भी कह लो, ग्रेचुटी या एक्सग्रेटिया आप अपने आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट आप करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपकी जो एक्सग्रेटिया पेमेंट है वो आपके अकाउंट में पेड हो चुकी है। और मुझे बताइए किस किस जगह मिल चुकी है एक्सग्रेटिया पेमेंट, जहाँ तक कि सभी जगह हर एक जगह एक्सग्रेटिया पेमेंट पेड हो चुका है। और आपके पेंशन की बात आती है, पेंशन की अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, जैसे ही पेंशन की न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अब अगला बात करते हैं हम मेडिकल बिल के बारे में, तो BSNL मेडिकल बिल, अभी BSNL सैलरी टाइम से दे नहीं पा रहा है तो मेडिकल बिल कहाँ से देगा, इसलिए मेडिकल बिल नहीं दे पा रहा है। और मेडिकल बिल देने के चांसेस हैं क्योंकि जो अभी कोरोना काल है इसे ख़त्म होने के तुरंत ही बाद मेडिकल बिल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, लेकिन उसके लिए जो मेडिकल बिल पेमेंट दिया जाता है हर एक साल दिया जाता है, और उसका सैलरी भी साथ ही दिया जाता है, जैसे सैलरी का जो PF निपटता है तभी दिया जाता है। तो आपके लिए एक्सग्रेटिया पेमेंट के साथ आपका BRS देना था लेकिन नहीं दिया, तो एक्सग्रेटिया पेमेंट दे दिया गया, अब आपको मेडिकल बिल मिलना है। अब मैं बात करता हूँ अगला जून सैलरी के बारे में और जुलाई सैलरी के बारे में। तो जून सैलरी का भी कुछ मतभेद समझ नहीं आ रहा है कि किस जगह मिली है किस जगह नहीं मिली है, तो मुझे जिस जगह मिली है उस जगह बताइए और जिस जगह नहीं मिली है उस जगह भी बताइए। इसमें कुछ ऐसा ही जो हमारे एक व्यूअर्स थे, गाइस थे, उन्होंने ऐसा ही कर दिया था, उन्होंने बाद में कहा कि भाई मुझे ऐसे नहीं कहना था, ऐसे कहना था कि उन्होंने कहा था कि मई सैलरी ऑलरेडी पेड, लेकिन मई की सैलरी उन्होंने जून कह दिया, मई सैलरी नहीं कहा लेकिन जून सैलरी कह दिया। तो मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया कि भाई जून की सैलरी ऑलरेडी पेड हो चुकी है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी एक पहला वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि ये भाई हैं, इन्होंने ये बोला था। तो उनके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं क्योंकि ऐसी गलती आदमी से होती है, और होती हर एक आदमी से एक बार तो गलती होती है। तो उन्होंने ऐसी खलबलीती कर दी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस जगह सैलरी मिल चुकी है किस जगह नहीं मिली है, या मिली है किसी जगह या नहीं मिली है। तो चलिए मुझे बताइए आप किस जगह सैलरी मिल चुकी है जून की या किस जगह नहीं मिली है। और अभी मई की सैलरी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, जैसे ही बात होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हम बात करें अब BSNL के थोड़े फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर में कुछ ऐसे लक्षणों से लग रहा है कि BSNL एक अच्छा बेनिफिट वाली कंपनी होने वाली है, लेकिन इसमें अभी जो फिलहाल में चल रही है कंपनी, इसको तो भैया देखें तो मतलब कि बिल्कुल रद्दर पार्टी की कंपनी है, ऐसे तो कोई भी खड़ा कर सकता है एक टावर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही बेकार है। अब बात करें इसकी सर्विसेज तो इसकी अभी तो बहुत ख़राब है, लेकिन जो पास्ट में रही है और फ्यूचर में रहने की उम्मीद कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी रही है और अच्छी रहेगी, क्योंकि BSNL कभी कभी किसी का तो थोड़ा बहुत हर एक आदमी पर पैसे की कमी आती है, जैसे ही इस पर पैसे की कमी आई है तो ये सब इसकी हालत हो चुकी है। ये इसमें कमी कुछ सरकार की भी है, गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं किया, जिसको 4G देना था इससे पैसा ले लिया था, इसको पैसा ले लिया था 4G का जो मंजूरी देने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उनके लिए मंजूरी थी 4G की दे दी, लेकिन इसको नहीं दी। ये बहुत ही सालों से लगभग 5-6 साल से घाटे में चल रही थी कंपनी, लेकिन आज एक ऐसा दिन हो गया जो ये ठप्प हो गई बिल्कुल। तो इसमें सरकार को हम कह सकते हैं कि सरकार की इसमें कमी है, लेकिन अब सरकार इसको देख रही है, तो अब हम मतलब कि कह सकते हैं कि कमी है लेकिन इतनी कमी नहीं है। किसी आदमी को किसी सुधर जाए वो आदमी बिगड़ने के बाद तो बुरा नहीं होता, तो कंपनी हमारी जो सरकार है वो बुरी नहीं है, और अब इस पर ध्यान दे रही है, पूरा ध्यान दे रही है, और जल्दी ही इसे सही करवाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तब मैं एक बार कॉन्टैक्ट वर्कर से फिर कहना चाहूंगा कि मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, रीट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए।